स्टडी आईक्यू आईएएस, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। दोस्तों, रिसेंटली ग्लोबल डेवलपमेंट्स ने इंडियन इकोनॉमी की कठिन परीक्षा ली है। सबसे पहले कोविड ने तेजी से दौड़ती भारतीय अर्थव्यवस्था की गाड़ी को एकदम से रोक दिया। उसके बाद रशिया यूक्रेन वॉर जैसे ग्लोबल इशू ने इंडिया समेत पूरी दुनिया की मुलाकात इन्फ्लेशन और रिसेशन के खतरे से करवाई। इन्फ्लेशन, जियोपॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी और कोविड के कंबाइंड इफेक्ट ने यूएसए और यूके समेत बहुत सी मेजर इकोनॉमीज में रिसेशन और स्टैगफ्लेशन का खतरा पैदा कर दिया। इस वजह से दुनिया भर के सेंट्रल बैंक्स अचानक से हार्श मॉनेटरी टाइटनिंग की तरफ बढ़ रहे हैं। इसका मेजर इंपैक्ट इंडियन रूपी के एक्सचेंज रेट पर भी पड़ रहा है, जहां रिसेंटली इस एक्सचेंज रेट में करीब 78% का फॉल देखने को मिल रहा है। लेकिन ये बात बहुत पेक्यूलर है कि जापानीज येन और यूरो जैसे रिजर्व करेंसीज के मुकाबले इंडियन रूपी ने बेहतर परफॉर्म किया है और एक्सचेंज रेट में इन दोनों करेंसीज के मुकाबले ज्यादा स्टेबिलिटी दिखाई है। इस स्टेबिलिटी के पीछे एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर इंडिया का ह्यूज फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स रहा है, जिसकी मदद से आरबीआई ने एक्सचेंज रेट में किसी भी स्टीफ मूवमेंट को होने से बचाया है। दोस्तों, ऐसा अक्सर देखा गया है कि ग्लोबल इमरजेंसी के सिनेरियो में हेल्दी फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स देश के लिए बड़ा सपोर्ट बन जाते हैं। आज हमारे सामने पाकिस्तान और श्रीलंका जैसे देशों का भी एग्जाम्पल है, जो इन शॉक्स को नहीं झेल पाए और अब मल्टीलेटरल इंस्टीट्यूशंस और फॉरेन गवर्नमेंट से मदद मांगने पर मजबूर हैं। फॉरेन रिजर्व की स्टेबिलिटी और ग्रोथ के लिए जरूरी है एक ट्रेड सरप्लस, जो हर साल किसी एफडी यानी फिक्स डिपॉजिट की तरह फॉरेक्स रिजर्व्स को स्टेबल रखने के साथ इनमें इजाफा भी करता रहता है। लेकिन दोस्तों, बहुत से फैक्टर्स की वजह से ट्रेड डेफिसिट इंडियन इकोनॉमी के लिए एक बड़ी समस्या रहा है, और हमारे लिए इस समस्या का सबसे बड़ा विलन है चाइना। दोस्तों, आज के हमारे इस वीडियो डिस्कशन में हम आपको बताएंगे कि किस तरह ट्रेड डेफिसिट इंडियन इकोनॉमी और फॉरेन पॉलिसी की सोवरेनिटी के लिए एक बड़ा खतरा हो सकता है, क्यों इंडिया चाइना के साथ ह्यूज ट्रेड डेफिसिट को फेस कर रहा है और कैसे इंडिया इस ट्रेड डेफिसिट को ट्रेड सरप्लस में बदल सकता है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो की इंपॉर्टेंस यूपीएससी मेंस के GS3 के इकोनॉमी सेक्शन के लिहाज से काफी ज्यादा है। इसके बारे में हम वीडियो के अंत में और भी बात करेंगे, पर फिलहाल के लिए अपने डिस्कशन को हम आगे बढ़ाते हैं। दोस्तों, स्टडी आईक्यू आप सबके लिए लेके आया है एक बहुत ही खास कोर्स। स्टडी आईक्यू यूपीएससी प्री प्लस मेंस के लिए एक फुली लाइव कोर्स लॉन्च करने जा रहा है। इस कोर्स में 900 घंटे से ज्यादा की लाइव क्लासेस होंगी। प्रीलिम्स में आपको परिपक्व करने के लिए प्रैक्टिस क्वेश्चंस दिए जाएंगे, मेंस की आंसर राइटिंग प्रैक्टिस होगी और आपके डाउट्स को किसी भी समय क्लियर करने के लिए मिलेगी 1-to-1 मेंटोरशिप, जिसके अंतर्गत आप अपने एकेडमिक और नॉन एकेडमिक डाउट को क्लियर कर सकते हैं। और दोस्तों, ये सब कुछ आपको मिलेगा 18,999 के सुपर डिस्काउंटेड प्राइस पे अगर आप AG लाइव कूपन कोड यूज करते हैं। दोस्तों, बैचेस में एडमिशन की लास्ट डेट 10th December है, जिसमें क्लासेस की टाइमिंग मॉर्निंग 8 AM रहेगी। तो अब आप भी अपनी तैयारी को एक हेड स्टार्ट दीजिए और पूरे देश के एस्पिरेंट्स के साथ बोलिए कि आप तैयारी हुई अफोर्डेबल स्टडी आईक्यू के साथ। बाकी सभी अपडेट्स के लिए आप मुझे मेरे सोशल मीडिया हैंडल्स पे फॉलो कर सकते हैं। दोस्तों, इंटरनेशनल ट्रेड में पार्टिसिपेट करने वाला हर देश अपने इंपोर्ट और एक्सपोर्ट ट्रांजेक्शन का एक अकाउंट बनाता है, जिसे बैलेंस ऑफ पेमेंट कहा जाता है। ये ठीक उसी तरह है जैसे आपके बैंक अकाउंट की ट्रांजैक्शंस का एक स्टेटमेंट तैयार किया जाता है, जिसमें क्रेडिट और डेबिट ट्रांजैक्शंस अलग अलग रिकॉर्ड की जाती हैं। इंपोर्ट्स और एक्सपोर्ट्स ब्रॉडली दो तरह के हो सकते हैं। पहला टाइप है गुड्स, जिसे मर्चेंडाइज भी कहा जाता है। गुड्स टेंजिबल आइटम्स होते हैं, यानी जिनको छुआ जा सकता है, जिनकी कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस होती है, जैसे ऑयल, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स, टेक्सटाइल्स एक्सेट्रा। इस टाइप के एक्सपोर्ट्स और इम्पोर्ट के अकाउंट को ट्रेड अकाउंट कहा जाता है। दूसरे टाइप में सर्विसेज, प्रॉफिट ट्रांसफर्स, डोनेशंस, गिफ्ट, इंटरेस्ट और डिविडेंड जैसे ट्रांजैक्शंस आते हैं। इस टाइप के एक्सपोर्ट और इंपोर्ट के अकाउंट को इनविजिबल अकाउंट कहा जाता है, क्योंकि इसमें रिकॉर्ड करे जाने वाले इंपोर्ट्स और एक्सपोर्ट्स इनविजिबल या इनटेंजिबल होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई इंडियन आईटी कंपनी किसी फॉरेन कंपनी को सॉफ्टवेयर सेल करती है, तो इस एक्सपोर्ट ट्रांजैक्शन में कोई फिजिकल गुड्स इन्वॉल्व नहीं है, इसलिए इस तरह के एक्सपोर्ट को इनविजिबल अकाउंट में रखा जाता है। तो सुन, दोनों अकाउंट्स यानी ट्रेड अकाउंट और इनविजिबल अकाउंट को अगर हम जोड़ दें तो बनता है करंट अकाउंट। अगर इनमें से किसी भी अकाउंट में एक्सपोर्ट्स की वैल्यू इम्पोर्ट से कम होती है, तो अकाउंट को डेफिसिट में मान लिया जाता है। अगर हम इंडियन इकोनॉमी की बात करें, तो जनरली हमारा ट्रेड अकाउंट डेफिसिट में और इनविजिबल अकाउंट सरप्लस में रहता है। लेकिन ट्रेड अकाउंट का डेफिसिट इतना ज्यादा होता है कि इनविजिबल अकाउंट अपने सरप्लस के साथ इसे बैलेंस नहीं कर पाता, जिस वजह से इंडिया को करंट अकाउंट डेफिसिट जैसी समस्याओं को झेलना पड़ता है।
चलिए सिचुएशन को बेहतर डेटा विजुलाइजेशन के जरिए समझने की कोशिश करते हैं। आरबीआई के लेटेस्ट डेटा के अनुसार फाइनेंशियल ईयर 2021 एंड 22 में इंडिया का करंट अकाउंट डेफिसिट 38.76 बिलियन डॉलर्स था। इसमें ट्रेड अकाउंट 189.45 बिलियन डॉलर के डेफिसिट के साथ क्लोज हुआ था, जबकि इनविजिबल अकाउंट में 150.7 बिलियन डॉलर का सरप्लस मौजूद था। इस डेटा के जरिए एक इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन हमें देखने को मिलता है कि अगर मर्चेंडाइज गुड्स के मामले में इंडिया के एक्सपोर्ट्स हमारे इंपोर्ट से कहीं ज्यादा कम है, लेकिन इनविजिबल अकाउंट में सर्विसेज और रेमिटेंसेस इस डेफिसिट को कुछ हद तक बैलेंस कर देते हैं। लेकिन इनविजिबल अकाउंट का सरप्लस ट्रेड डेफिसिट से कम होने के कारण करंट अकाउंट में डेफिसिट बना रहता है। दोस्तों, अगर हम इंडिया के टॉप 5 ट्रेड पार्टनर्स पर नजर डालें तो इस लिस्ट में यूएसए, चाइना, यूएई, सऊदी अरेबिया और इराक जैसे देश शामिल हैं। 2021-22 में आरबीआई डेटा के अनुसार यूएसए के साथ इंडिया 33 बिलियन डॉलर का एक साइजेबल ट्रेड सरप्लस एंजॉय करता है। वहीं बाकी चारों कंट्रीज यानी चाइना, यूएई, सऊदी अरेबिया और इराक के साथ इंडिया ट्रेड डेफिसिट सिचुएशन में है, लेकिन इनमें से भी इंडिया के लिए सबसे ज्यादा ट्रेड डेफिसिट वाली कंट्री है चाइना, सऊदी अरेबिया और इराक। 2021-22 से मिले डेटा के अनुसार इंडिया ने चाइना से 94.57 बिलियन डॉलर के गुड्स इंपोर्ट किए, जबकि इसके मुकाबले इंडिया ने चाइना को सिर्फ और सिर्फ 21.26 बिलियन डॉलर के गुड्स ही एक्सपोर्ट किए। यानी पिछले फाइनेंशियल ईयर में चाइना के साथ इंडिया का ट्रेड डेफिसिट 73 बिलियन डॉलर से भी ज्यादा का था। वैसे तो सरकार के निरंतर प्रयास से पिछले कुछ सालों में इंडिया और चाइना के बीच का ट्रेड डेफिसिट एक डाउनवर्ड ट्रेजेक्ट्री पर था, लेकिन कोविड पैंडमिक के बाद ये ट्रेड डेफिसिट फिर से एक अपवर्ड ट्रेजेक्ट्री पर आया। इसी तरह सऊदी अरेबिया और इराक जैसे कंट्रीज के साथ भी इंडिया का ट्रेड मिसमैच का शिकार है। दोस्तों, यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि इंडिया यूएई, सऊदी अरेबिया और इराक जैसी कंट्री के ऊपर ऑयल और गैस जैसे एनर्जी सोर्सेज के कारण डिपेंडेंट है, जो उन कंट्रीज के साथ होने वाले ट्रेड डेफिसिट के लिए जिम्मेदार है। लेकिन चाइना के ऊपर इंडिया ना तो ऑयल और ना ही गैस जैसी इररिप्लेसेबल कमोडिटीज के लिए डिपेंडेंट है, और यही वजह है कि चाइना के साथ इंडिया का ह्यूज ट्रेड डेफिसिट इंडियन इकोनॉमी का सबसे बड़ा हेडेक है। दोस्तों, फाइनेंशियल ईयर 2021 एंड 22 में इंडिया और चाइना के बीच करीब 116 बिलियन डॉलर का व्यापार हुआ, जहां इंडिया को 73 बिलियन डॉलर से ज्यादा का ट्रेड डेफिसिट फेस करना पड़ा। अगर हम इंडिया से चाइना को होने वाले एक्सपोर्ट्स की बात करें तो इसमें आयरन ओर, रिफाइंड पेट्रोलियम और साइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स में एक्सपोर्टेड गुड्स रहे हैं। वहीं अगर हम इंडिया द्वारा चाइना से इंपोर्ट किए गए गुड्स की बात करें तो इसमें कंप्यूटर, टेलीफोन्स एंड ब्रॉडकास्टिंग इक्विपमेंट मेजर इंपोर्टेड गुड्स रहे हैं। यानी इंडिया की चाइनीज इंपोर्ट्स पर डिपेंडेंस का एक मेजर कारण इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स को माना जाता है। साथ ही इंडिया ने मशीनरी, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में इस्तेमाल होने वाले रॉ मटेरियल्स यानी एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स, जिन्हें हम शॉर्ट फॉर्म में एपीआई भी कहते हैं, ऑटोमोबाइल कंपोनेंट्स, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स और पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स यानी पीपीईज जैसे आइटम्स भी रिसेंटली हाई क्वांटिटी में चाइना से इंपोर्ट किए हैं, जिससे इस ओवरऑल ट्रेड डेफिसिट रिफ्ट को फर्दर एक्सपांड किया गया है। दोस्तों, ये बात हम सब जानते हैं कि अगर आने वाले समय में इंडिया एक इकोनॉमिक सुपर पावर बनना चाहता है तो उसके लिए उसे चाइना के साथ अपने ट्रेड डेफिसिट को कम करना होगा। लेकिन सवाल है कि आखिर ये लक्ष्य हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं, कैसे और किन स्टेप्स को अपना कर हम चाइना के साथ अपने ट्रेड डेफिसिट जीरो कर सकते हैं, और उससे भी बड़ा सवाल कि क्या सच में इस ह्यूज ट्रेड डेफिसिट को कम कर पाना मुमकिन है भी या नहीं। दोस्तों, इन सवालों का उत्तर ढूंढने के लिए हमें इंडिया और चाइना के बीच मौजूद ट्रेड डेफिसिट के मेजर कारणों को समझना होगा। दोस्तों, इंडिया और चाइना के बीच बड़े ट्रेड डेफिसिट के कुछ ऑब्वियस रीजंस हैं। चाइना दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी है और इस कारण स्वाभाविक है कि चाइना का ट्रेड भी एक बड़े स्केल पर डेवलप्ड होगा। इंडिया दुनिया की पांचवी सबसे बड़ी इकोनॉमी है और चाइना के साथ करीब 3500 किलोमीटर का बॉर्डर साझा करती है। जियोग्राफिकल प्रॉक्सिमिटी और साइज ऑफ इकोनॉमी की वजह से यह स्वाभाविक है कि दोनों देशों के बीच ट्रेड का वॉल्यूम इतना ज्यादा है। लेकिन यह बड़ा ट्रेड इंडिया के अगेंस्ट जिस ट्रेड डेफिसिट में ट्रांसलेट हुआ है, इसके पीछे कहीं ना कहीं इंडिया का लॉस इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन एक बड़ा कारण है। इंडिया ने आजादी के बाद ट्रिकल डाउन इकोनॉमी पर बेस्ड हैवी इंडस्ट्री लेड इकोनॉमिक प्लान इस उम्मीद के साथ फॉलो किया कि इंफ्रास्ट्रक्चर और हैवी इंडस्ट्री डेवलपमेंट की मदद से इकोनॉमिक डेवलपमेंट को ग्रास रूट तक पहुंचाया जा सकेगा। लेकिन इस प्लानिंग प्रोसेस में कहीं ना कहीं इंडिया ने एग्रीकल्चर को इग्नोर कर दिया, जिसका बड़ा भुगतान इंडिया को हाई पॉवर्टी, लो इकोनॉमिक ग्रोथ और लो डिमांड के रूप में देखना पड़ा। साथ ही इंडिया ने एजुकेशन और हेल्थ जैसे इंपॉर्टेंट सोशल सेक्टर के एक्सपेंडिचर को भी काफी हद तक इग्नोर किया।
जिसका नतीजा हमें एक अनएजुकेटेड और अनएम्प्लॉयबल यंग पॉपुलेशन के रूप में देखने को मिला, जिसने इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट को कभी भी अपने फुल पोटेंशियल तक अचीव करने नहीं दिया। लैंड, लेबर और कैपिटल यूटिलाइजेशन जैसे एरियाज में भी इंडिया के रिफॉर्म्स अनसक्सेसफुल रहे, जिस कारण इंडिया अपने इकोनॉमिक पोटेंशियल से बहुत पीछे रह गया। वहीं इसी दौरान चाइना ने इंटरनेशनल ट्रेड और इन्वेस्टमेंट के लिए अपने आप को ओपन किया, पर तब भी इंडिया इस काम में लेथार्जिक रहा और मच नीडेड इकोनॉमिक रिफॉर्म्स को डिले कर दिया गया। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट में पीछे रहने के कारण इंडिया के एक्सपोर्ट्स में कॉटन, जेम्स एंड प्रीशियस मेटल्स, कॉपर और आयरन ओर जैसे रॉ मटेरियल्स ज्यादा डोमिनेंट रहे, जबकि चाइना के एक्सपोर्ट्स में इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट जैसे हाई टेक्नोलॉजी फिनिश्ड गुड्स डोमिनेंट बने। ये बात ऑब्वियस है कि रॉ मटेरियल्स फिनिश्ड गुड्स के मुकाबले सस्ते होते हैं और इस वजह से भी इंडियन एक्सपोर्ट्स की वैल्यू इम्पोर्ट्स के मुकाबले कम रह जाती है। जहां एक तरफ चाइना सही टाइम पर बोल्ड इकोनॉमिक रिफॉर्म्स इंप्लीमेंट कर फिनिश्ड गुड्स का ग्लोबल एक्सपोर्टर बना, वहीं इंडिया सिर्फ अपने रॉ मटेरियल्स को ही एक्सपोर्ट करता रहा, जिसका नतीजा ये हुआ कि चाइना ने ग्लोबल सप्लाई चेन में अपने लिए यूनिक जगह बनाई, वहीं इंडिया फिनिश्ड गुड्स के लिए चाइना पर निर्भर हो गया। चाइना के पास इंडिया की ही तरह एक बड़ा मार्केट और लार्ज यंग वर्कफोर्स का नेचुरल एडवांटेज था। इस वजह से लो कॉस्ट मैन्युफैक्चरिंग में चाइना अनबीटेबल चैंपियन बन गया। वहीं इंडिया ने अपने ह्यूज मार्केट और वर्कफोर्स को ऑप्टिमाइज करने में समय लगा दिया। भारत का चाइना पर फिनिश्ड प्रोडक्ट्स के लिए डिपेंडेंट हो जाना इसी प्रोसेस का रिजल्ट था। इस समय की गंभीरता आप इस बात से समझ सकते हैं कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नितिन गडकरी ने एक बार अपने स्टेटमेंट में कहा था कि हम आइसक्रीम की स्टिक्स जैसे बेसिक गुड्स भी चाइना से इंपोर्ट करते हैं। चाइनीज गुड्स की पॉपुलैरिटी के पीछे एक कारण यह भी है कि ये मेड इन चाइना गुड्स लो कॉस्ट और लो क्वालिटी के लिए मशहूर है, जो इंडिया जैसी लो मिडिल इनकम कंट्री में अफोर्डेबिलिटी के कारण पॉपुलर हो जाते हैं। डोमेस्टिक इंडस्ट्री के प्रोडक्ट्स की क्वालिटी को इंडियन गवर्नमेंट रेगुलेट कर लेती है, लेकिन चाइनीज इंपोर्ट्स हजार्डस मटेरियल्स और खराब प्रोसेसेस से बने होने के बावजूद इन पर गवर्नमेंट का रेगुलेशन और कंट्रोल बहुत इनएफेक्टिव साबित होता है। इसके अलावा चाइना ने अपनी नेचुरल मिनरल वेल्थ का पूरा फायदा उठाया है और आज चाइना बहुत से की मिनरल्स का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर भी है। वहीं चाइनीज गवर्नमेंट अपनी डोमिनेंट ट्रेड पोजीशन का गलत फायदा भी उठाती है और इंडियन कंपनीज को बहुत से सेक्टर्स में एंटर करने से रेस्ट्रिक्ट करती है, जिसका असर ट्रेड डेफिसिट में देखने को मिलता है, क्योंकि इंडिया अपनी बेस्ट गुड्स एंड सर्विसेज को चाइनीज मार्केट तक भेज ही नहीं पाता। दरअसल इंडिया तीन सेक्टर्स में बहुत स्ट्रांग है, नंबर एक फार्मास्यूटिकल, नंबर दो एग्रीकल्चर और नंबर तीन आईटी सर्विसेज, और चाइना ये बखूबी जानता है और यही वजह है कि वो इन सभी सेक्टर्स में स्ट्रिक्ट रेस्ट्रिक्शंस इम्पोज करता है, जिससे चाइनीज मार्केट को इंडियन कंपनीज एक्सेस ना कर पाए। CII कोर ग्रुप ऑन चाइना की एक स्टडी के अनुसार इंडियन कंपनीज में चाइना के मार्केट को लेकर सीरियस नॉलेज और इन्फॉर्मेशन डेफिसिट है, जिस वजह से भी इंडियन कंपनीज चाइनीज मार्केट को एक्सेस नहीं कर पा रही हैं। सर्विसेज सेक्टर के रिस्पेक्ट में ये डिस्क्रिमिनेशन खासकर बहुत ज्यादा है, जहां इंडियन कंपनीज ग्लोबली एक डोमिनेंट पोजीशन एंजॉय करती हैं, जहां इंडिया की स्ट्रेंथ है, वहीं चाइना इंडियन कंपनीज को रेस्ट्रिक्ट कर देता है। साथ ही चाइनीज गवर्नमेंट स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस यानी PSUs के लिए इंस्टीट्यूशनलाइज प्रेफरेंस और पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन दिखाती है, फिर चाहे वो प्रोक्योरमेंट की बात हो या फिर सब्सिडीज देने की। बहुत से एक्सपर्ट्स के अनुसार इनमें से बहुत सी सब्सिडीज इंटरनेशनल ट्रेड लॉ के खिलाफ है, लेकिन इंडिया WTO के फोरम्स को भी चाइना के खिलाफ इस्तेमाल करने में पीछे रहा है। दोस्तों, अब तक हमने देखा इंडिया और चाइना के बीच ट्रेड डेफिसिट के कारणों को। चलिए अब देखते हैं कि कैसे इंडिया ट्रेड डेफिसिट को ट्रेड सरप्लस में बदल सकता है। दोस्तों, कोविड पैंडेमिक भारत के लिए आपदा से एक अवसर में बदलता दिखाई पड़ रहा है। चाइना की अथॉरिटेरियन रेजीम के नुकसान इंटरनेशनल कंपनीज को दिखने शुरू हो गए हैं, जहां बिना किसी कंसल्टेशन और डिस्कशन के जीरो कोविड पॉलिसी के तहत स्नैप लॉकडाउंस आज भी लगाए जा रहे हैं। इसके कारण इंडस्ट्रीज को भारी नुकसान झेलना पड़ रहा है और आईफोन से लेकर आर्म्स एंड एमिनेशन तक एयरप्लेन्स जैसी हाई टेक एंड हाई वैल्यू आइटम्स का प्रोडक्शन चाइना से इंडिया और बाकी साउथ एशियन कंट्रीज की तरफ शिफ्ट हो रहा है। यह इंडिया के पास चाइना के स्ट्रिंग मैन्युफैक्चरिंग एरियाज को कैप्चर करके इंपोर्ट्स को एक्सपोर्ट्स में बदलने का बड़ा मौका है, जिससे ट्रेड डेफिसिट को सरप्लस में बदला जा सकता है। इलेक्ट्रॉनिक डिजाइन एंड मैन्युफैक्चरिंग भारत सरकार के एजेंडा पर सबसे ऊपर है। मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT के अनुसार इंडियन इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर लैक ऑफ एडिक्वेट इंफ्रास्ट्रक्चर, डोमेस्टिक सप्लाई चेन एंड लॉजिस्टिक्स, हाई कॉस्ट ऑफ फाइनेंस, इनएडिक्वेट अवेलेबिलिटी ऑफ क्वालिटी पावर, इंडस्ट्री की लिमिटेड डिजाइन कैपेबिलिटीज और लिमिटेड फोकस ऑन R&D
और lack of skill development जैसे factors के कारण करीब 8.5-11% की disability फेस करता है। इस situation को improve करने के लिए global electronic companies को attract और incentivize करने के लिए भारत सरकार ने National Policy on Electronics 2019 और Production Linked Incentive Scheme लॉन्च करी है, जिसके favorable results दिखने भी शुरू हो गए हैं। यहाँ हमारी कोशिश होनी चाहिए कि हम Apple जैसी दूसरी global brands को इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग के लिए फेवरेबल कंडीशंस दे पाएं, ताकि चाइना के रास्ते आने वाली हाई वैल्यू इंपोर्टेड गुड्स पर लगाम लगाई जा सके। फार्मा सेक्टर इंडिया की एक और मेजर स्ट्रेंथ है, जहां इंडिया टॉप परफॉर्म कर रहा है, लेकिन आज भी रॉ मटेरियल्स के लिए हमारी फार्मा इंडस्ट्री चाइना पर डिपेंडेंट है। एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स में आत्मनिर्भर बनने के लिए गवर्नमेंट ने मार्च 2020 में डोमेस्टिक बल्क ड्रग पार्क्स एस्टैब्लिश करने का फैसला लिया है, जिसके लिए 4 स्कीम्स भी लॉन्च करी गई हैं। इनका टोटल आउटले करीब ₹13,760 करोड़ डिसाइड किया गया है। ऐसा करने से इंडिया से एक्सपोर्ट होने वाले फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स 100% मेड इन इंडिया बन जाएंगे, जो चाइना पर हमारी डिपेंडेंसी को रिड्यूस करेगा और इसका भी असर दोनों देशों के बीच मौजूद वास्ट ट्रेड इम्बेलेंस को स्टेबिलिटी प्रोवाइड करेगा। रिन्यूएबल एनर्जी एक और ऐसा इमर्जिंग एरिया है जहां इंडिया अपने लिए एक यूनिक जगह बना सकता है और चाइना को इंडियन प्रोडक्ट्स पर डिपेंडेंट करा सकता है। सोलर, विंड और ग्रीन हाइड्रोजन जैसे एरियाज में इंडिया अपनी रिसर्च और मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटीज इंप्रूव कर रहा है। एक रिपोर्ट के मुताबिक साल 2030 तक इंडिया ने 500 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी और 50% ऑफ टोटल एनर्जी नॉन फॉसिल फ्यूल सोर्सेज से हासिल करने का लक्ष्य तय किया है। अगर हम इस लक्ष्य को हासिल करने में कामयाब हो जाते हैं तो ग्लोबल रिन्यूएबल एनर्जी मार्केट में इंडिया का सिग्निफिकेंट रोल होगा, जहां हम सोलर पैनल या विंड टर्बाइंस में इस्तेमाल होने वाले प्रोडक्ट्स को एक्सपोर्ट कर सकेंगे। इसके अलावा हमारे लिए ये बात भी बेहद जरूरी है कि इंडिया और चाइना के बीच डिप्लोमेटिक चैनल्स इंप्रूव किए जाएं, ताकि इंडियन आईटी सेक्टर को चाइनीज मार्केट में अपनी किस्मत आजमाने का मौका मिले। दोस्तों, आज पूरा विश्व जानता है कि सर्विस स्पेशली आईटी सेक्टर का हब बन गया है। आज इंडिया के एजुकेटेड यंग पॉपुलेशन का एक सिग्निफिकेंट पार्ट आईटी और दूसरे सर्विस सेक्टर में काम कर रहा है। दुनिया भर के बीपीओ, केपीओ और आरपीओस इंडिया से ऑपरेट किए जा रहे हैं, जो हमारे लिए रेवेन्यू का एक बड़ा सोर्स बन गया है। इसलिए हमें जरूरत है कि चाइना अपना मार्केट इंडियन सर्विस सेक्टर के लिए खोले, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो ये इंडिया और चाइना के बीच मौजूद ट्रेड डिफिसिट को सिग्निफिकेंटली रिड्यूस करेगा। चाइना को इंडियन प्रोडक्ट्स के लिए डिपेंडेंट बनाने के अलावा हमारी ये कोशिश भी होनी चाहिए कि हम अपने डोमेस्टिक प्लेयर्स को चीप चाइनीज इम्पोर्ट से बचा सकें। हालांकि पिछले कुछ सालों में हमारी सरकार ने चाइना से इम्पोर्ट होने वाले केमिकल्स, पेट्रोकेमिकल्स, फाइबर, यार्न, फार्मास्यूटिकल और रबर जैसे 99 चाइनीज प्रोडक्ट्स पर एंटी डंपिंग ड्यूटी इम्पोज करके इनके इम्पोर्ट को महंगा कर दिया है, लेकिन अभी भी इंडिया का एक वास्ट मार्केट ऐसे ही चीप चाइनीज रॉ मटेरियल्स पर डिपेंड करता है। इसलिए हमें जरूरत है कि देश में इन प्रोडक्ट्स के सूटेबल सब्स्टिट्यूट खोजे जाएं। ड्रोन्स और स्पेस दो नए फ्रंटियर एरियाज हैं जहां इंडिया हाईटेक एंड हाई वैल्यू एक्सपोर्ट्स अचीव करने की कोशिश कर रहा है। एफिशिएंट, रिलायबल एंड कॉस्ट फ्रेंडली स्पेस लॉन्चेस के स्फीयर में दुनिया ने इसरो का लोहा माना है और अब इसरो, एंटरिक्स एंड इनस्पेस जैसी एजेंसीज प्राइवेट सेक्टर के साथ कंधे से कंधा मिलाकर स्पेस इकोनॉमी को एक्सपोर्ट्स के लिए एक्सप्लॉइट कर रही हैं। ड्रोन मैन्युफैक्चरिंग के स्पेस में भी इंडियन स्टार्टअप्स अपना नाम बना रहे हैं। तो जो ट्रेड डेफिसिट को सरप्लस में कन्वर्ट करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है हाई वैल्यू एक्सपोर्ट्स को कैप्चर करना। ऐसा करने से हमारे इंपोर्ट्स सब्सटेंशियल रिड्यूस हो सकेंगे और एक्सपोर्ट्स में भी मल्टीफोल्ड इंक्रीज आ सकेगा। लेकिन इस स्फीयर में सक्सेस के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है R&D एक्सपेंडिचर में बढ़ोतरी। वर्ल्ड बैंक के डेटा के अनुसार भारत रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर GDP का सिर्फ 0.66% हिस्सा इन्वेस्ट कर रहा है, जबकि वर्ल्ड एवरेज 2.63% है। इसराइल में ये फिगर 5.44% है और USA में 3.5%। इंडिया को हर हाल में R&D एक्सपेंडिचर को 3% तक ले जाने की जरूरत है और इसमें प्राइवेट सेक्टर की भूमिका सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। साथ ही दोस्तों, चाइना से ट्रेड डेफिसिट कम करके और चाइना में अपने एक्सपोर्ट्स बढ़ाने के लिए इंडिया को जरूरत है चाइनीज मार्केट को जानने की। चाइनीज मोबाइल फोन्स के इंडियन मार्केट में सक्सेस का एक बड़ा कारण है चाइनीज कंपनीज की इंडियन कंज्यूमर्स की नीड को लेकर गहरी समझ। इसके लिए जरूरी है कि मार्केट नॉलेज कंपाइल करने के लिए एक सीरियस और कंसर्टेड एफर्ट किए जाएं, ताकि इंडियन इंडस्ट्रीज भी वास्ट चाइनीज मार्केट की डिमांड एंड नीड को समझ सके, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो वो दिन दूर नहीं जब एक चाइनीज मैन के हाथ में रखा फोन या सर पर रखी टोपी मेड इन चाइना नहीं बल्कि मेड इन इंडिया होगी। तो दोस्तों, इसी के साथ हम अपने वीडियो डिस्कशन को यहीं पर समाप्त करते हैं। इस वीडियो में बताए गए सुझावों के अलावा अगर आपके कुछ एडिशनल सजेशंस हो तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा।
और जैसा कि हमने वीडियो के पहले भाग में बताया था कि इस वीडियो की इंपॉर्टेंस यूपीएससी मेंस के लिहाज से काफी ज्यादा है, तो उसी इंपॉर्टेंस को देखते हुए एक सवाल हम आपके लिए छोड़कर जा रहे हैं। द क्वेश्चन इज, एक्सप्लोर द रीजंस फॉर इंडियाज लार्ज ट्रेड डेफिसिट विद इट्स लीडिंग ट्रेड पार्टनर्स। व्हाट हार्म्स मे दिस सिनेरियो कॉज? डिस्कस। एंड विद दिस क्वेश्चन माय फ्रेंड्स, दैट्स इट फॉर द वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ साझा करना मत भूलिएगा। अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। Study IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।